आपकी शादीशुदा जिंदगी को 49 साल गुजर गए, इसमें उतार चढ़ाव तो आए होंगे। ये उतार चढ़ाव से आते हैं कि लोग पकड़ के जेल में डाल देते हैं, ये बेचारी अकेली रहती है और बच्चे। किसी बात पर आप नाराज तो होते होंगे, लड़ाई तो होती होगी। नहीं, लड़ाई खुद खुदा न करे, लड़ाई अभी तक तो नहीं, अब क्या होगी, जब तो हम निकम्मे लोग पड़े हैं जी, इनकी रहम करम पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी। जब आपकी शादी हुई तो उम्रों में बड़ा फर्क था। बहुत फर्क था जी। इसकी वजह से कोई डिफिकल्टीज तो नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं। उसकी वजह जैसे मैंने कहा, मुझे फिक्र थी अपनी इस बच्चों की जी, कि इनका रवैया उनके साथ कैसे होता है, वो कैसे इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, वही तसल्ली की बात थी मेरे लिए। जब आप जेल में थे तो आपकी बेगम साहिबा अमली सियासत में आई, पख्तून मुआशरे में ऐसी रवायत नहीं थी। मैं इस लिहाज से अपने आप को बड़ा यानी फख्र महसूस करता हूँ कि कम से कम मेरे बच्चे और बीवी ये सब उस झंझट से मुझे निजात मिली है कि ये तकलीफ नहीं रही। सियासी रास्ता सबका एक ही है, वही बादशाह खान वाला रास्ता, बच्चों ने भी वही रास्ता इख्तियार किया। और जब ये निकले तो बड़े ताज्जुब की बात थी मेरे लिए भी, मुझे नहीं मालूम था कि इसके ये कैपेसिटी है सियासत की। फारग वक्त में VCR पर फिल्में देखती हैं, हेडफोन लगाती हैं ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो। कौन सी फिल्में देखती हैं? मैं तकरीबन हर मैयारी फिल्म देखती हूँ। मैंने पाकिस्तानी मैयारी फिल्में भी देखी हैं, आजकल मैं हिंदुस्तानी फिल्में देखती हूँ, क्योंकि मुझे हिंदुस्तानी फिल्मों में भी एक ज़माने की फिल्में देखती हूँ जो तकरीबन 60 से लेके 80 तक के हैं। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फिल्मों में क्या फ़र्क है? हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फिल्मों में फ़र्क जो नज़र आता है उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तानी फिल्मों में अननेचुरलपन बहुत ज़्यादा है, और हिंदुस्तानी फिल्में ये हैं कि ज़रा हकीकत के करीब होती हैं, उनमें भी एग्जेजरेशन होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इंसान बोर हो। शौहर और बेटे के साथ दोपहर का खाना खाया। आपकी वालदा सियासत में बड़ी मुतहरक रहीं, इसकी वजह से आपकी तालीम और तरबियत पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं नहीं जी, ऐसे कोई नहीं हुआ, बिकॉज हम तो सारी उम्र बोर्डिंग में रहे। तो आप कभी ये नहीं सोचते कि काश ये सियासत में ना होते? मैं तो ये आजकल की जो सियासत है तो मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि काश नहीं होते। वालदा की कौन सी चीज़ अच्छी लगती है और कौन सी बुरी? पॉलिटिकली इसकी बहुत क्वालिटीज़ हैं, ना 10 मर्द ना ये एक औरत, इतनी हिम्मत है इसमें। दूसरी बात यह है कि जो इसका वो ये कुव्वत फैसला जो है, टेकिंग ए डिसीजन, शी विल, वो एक मिनट नहीं लेगी। किसी चीज़ से इख्तलाफ भी होता है आपको उनसे? वो हो जाता है, मतलब पॉलिटिकली भी हो जाता है, घर में भी हो जाता है, वो तो हर एक घर में होता है, पॉलिटिकली भी इख्तलाफ आते हैं।